आर प्रज्ञानंद ने शतरंज की दुनिया में एक नया इतिहास लिख दिया है। सिर्फ 18 साल की उम्र में इस बच्चे ने फिडे शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में विश्व नंबर 3 खिलाड़ी फाबियानो कारुआना को टाई ब्रेकर में 3.5-2.5 से हराया। अब शतरंज विश्व कप के फाइनल में प्रज्ञानंद का सामना विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा। ऐसे में विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के फाइनल में एंट्री करने वाले वो दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। आइए जानते हैं कौन है ये भारतीय ग्रैंड मास्टर और कहां से उन्होंने शतरंज का खेल सीखा। आर प्रज्ञानंद एक भारतीय चेस प्लेयर हैं, जिनका जन्म 5 अगस्त 2005 में हुआ था। इनका पूरा नाम रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। प्रज्ञानंद साल 2022 में ग्रैंड मास्टर टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। इन्होंने साल 2013 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 8 का टाइटल जीता था और 7 साल की उम्र में उन्होंने FIDE मास्टर और साल 2015 में उन्होंने अंडर 10 का टाइटल अपने नाम किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास रचा और सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर क्लास चेस प्लेयर बने। साल 2017 में उन्होंने पहली बार ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था। इसके अलावा भी उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बेहद ही कम उम्र में अपने नाम किए। प्रज्ञानंद सिर्फ 3.5 साल के थे जब उन्होंने शतरंज में रुचि दिखाना शुरू किया। उन्होंने शतरंज का खेल अपनी बहन वैशाली से सीखा। बहन वैशाली पहले से शतरंज की क्लास लेती थी। वो धीरे धीरे इस खेल में एक इंटरनेशनल मास्टर खिलाड़ी बन गई थी। आर्थिक तंगी की वजह से प्रगा शतरंज की क्लास नहीं ले सके, वो अपनी बहन से ही शतरंज सीखते थे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।